ये राम कुमार जी पेशेंट हैं जिसको कि 1 साल से कमर में दर्द था और कमर के दर्द के साथ पैरों में भी दर्द शुरू होना हो गया और अब लगभग 20 दिन से इनके पैर चलने बंद हो गए हैं और कब्जी भी हो गई है मरीज को। तो ये एक टीबी स्पाइन का पेशेंट है जिसमें कि कमर के ऊपरले हिस्से में इनकी स्पाइन में ट्यूबरकुलोसिस है जिसकी वजह से नस पे दबाव हो गया है। तो ये इस पेशेंट की MRI है जिसमें कि D4 D5 लेवल पे कंप्रेशन विद कंप्लीट पैराप्लीजिया है। तो अब इसको हम ऑपरेट करेंगे और ऑपरेशन के बाद इसके रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं विद टाइम क्या प्रोग्रेस होती है। एक बार आप बताओ आपको क्या तकलीफ है शुरू से, ये कड़ में दर्द है जी, कमर में कितने साल से है ये? ये साल हो गया जी। 1 साल से दर्द है। हाँ जी, अच्छा। तो फिर मैं शाम को आता था, जैसे गोली ली, रोटी खाई और सो गया, सुबह फिर गोली ली, चल पड़िया काम पे। अच्छा। और फिर धीरे 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 फिर बिल्कुल ही डाउन हो गया मैं। डाउन कैसे, पैरों में दर्द आने लग हाँ, गया, पैरों में कमजोरी होने लगी पैरों कमजोरी में? होने लगी, फिर बिल्कुल ही, अब तो महीना हो गया, जिस तरह मान ले महीना ही मान ले आप, हाँ। ये बिल्कुल टांग और ये तो सुन हो गया सिस्टम। अच्छा, पूरा सुन हो गया, आप चल फिर नहीं पा रहे आप 1 महीने से। हाँ, अच्छा, ये वाला पैर उठा के दिखाओ एक बार आप। ये नहीं उठता जी, ये देखो अच्छा, ये सुन हो गया, इसको कोई बिल्कुल। चाल नहीं रही। हाँ, अच्छा, ये थोड़ा बहुत काम करता है, हाँ, ठीक ये तो है। बस ठाऊ ना पैर, ये हाँ उंगली है ना, जैसे हाँ उंगली फर्श पे लग जाती है, ये उठता ही नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक उठता पैर। तो ठीक ये है। और ये जैसे कब्जी कब से शुरू हुई है? कब्जी तो जी ये 4 दिन तो पहले रही है, हाँ, फिर मैंने गोली ली, रात को उतर गई कब्जी। यानी कि हफ्ता एक से कब्जी शुरू हो गई हाँ, आपको। हफ्ता ही मान लो जी, अच्छा, ठीक है। एक हफ्ते कब्जी आपको है। कोई बुखार भी होता है या वजन कम है आपका? बुखार तो नहीं है, बुखार तो पहले आया करता जी। पहले होता था, हाँ, सर्दियों, फिर मैं गोली लेके फिर चले पड़ता, रात को बुखार है, जैसे सुबह ठीक गोली है। ले ली, फिर मैं चल पड़ा काम पे। अच्छा, ठीक है। अब जैसे हम इसको उठाते हैं तो आपको दर्द होता है? ना जी, कोई दर्द नहीं, सुनना है अभी पैर हाँ में, बिल्कुल सुनना है ये तो। सुनना हो गया है। पेशेंट राम कुमार जी हैं जिसको कि D4 लेवल पे पोर्ट स्पाइन थी विद कंप्लीट पैराप्लीजिया, लॉस एंड ब्लैडर एंड बाउल। हमने ये कोस्टो ट्रांसरेक्टमी करके इसको डिकम्प्रेस किया है और पोस्टर फिक्सेशन किया है। अच्छा राम कुमार जी, ऑपरेशन के हाँ जी, बाद कैसा महसूस कर रहे हो? एक नंबर सही है जी, आपने रीड किया, डिकम्प्रेशन किया, मेरे बिल्कुल सही हो गया जी। अच्छा, अब आपके पैर चला के दिखाओ कैसे ले चला जी, पा रहे हो। पैर एक नंबर ठीक उठते हैं ठीक जी। है, पैर उठने लग गया अब। हाँ जी, अच्छा, ये पैर भी उठाओ। ले जी, अच्छा, ऑपरेशन से पहले नहीं उठा पा रहा था ना ना? जी बिल्कुल अच्छा, सुन पड़ा था। और अब जैसे लेटरिन बाथरूम का कंट्रोल आ गया आपका? हाँ जी, सही आ गया अब तो, लैट्रिन ठीक बाथरूम है, का खुश है कंट्रोल अब ऑपरेशन के बाद? बिल्कुल सही। ठीक है, ओके, थैंक यू।